अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जवार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। कैप्रिकॉर्न वीकली होरोस्कोप 10 to 16 अक्टूबर, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? कैप्रिकॉर्न्स, दो बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, 11 अक्टूबर को सैटर्न, जो कि आपका अपना रूलिंग प्लेनेट है आपके फाइनेंस के घर में और उसी का लॉर्ड होते हुए वहीं पे ये स्टैंड बाय हो रहा है, ये बहुत बड़ी खबर है आपके लिए। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो है 11 अक्टूबर को जायचे के 10th हाउस में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में, सन का जो है ये नेगेटिव होना, ये डेबिलिटेड हो जाएगा और ये आपके जायचे के 8वें घर का जो है वो लॉर्ड है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको कि सैटर्न आपको क्या बेनिफिट्स दे रहा है, चूँकि आपका रूलिंग प्लेनेट है। उसके बाद सन से बताऊंगा कि सन के डेबिलिटेड होने की वजह से आपको क्या नुकसान हो सकता है और आपको उससे किस तरह बच सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको सपोर्ट करेंगी, आपको कहाँ से सपोर्ट मिल रही है, ये सब कुछ भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और बाकी चीज़ें जो आपके जायचे की अहम पॉइंट्स हैं वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो बेस्ट वीडियोज़ हैं वो मिल सकें। सबसे पहले स्टार्ट ऑफ द मंथ वीक में ही 11 अक्टूबर को सैटर्न आपको ये गुड न्यूज़ दे रहा है कि ये स्टैंड बाय हो रहा है, और इसका स्टैंड बाय होना आपके लिए बहुत ज़्यादा मानी जो है वो रखता है। मैं कोशिश करूँगा सैटर्न और इसके ऊपर एक वीडियो आपको अलग से भी दी जाए जिसमें बहुत डिटेल से जो है वो आपको बताया जाए। यहाँ पे मैं इन शॉर्ट में आपको बताने लगा हूँ, चूँकि वीकली में हमने सारे प्रॉस्पेक्ट भी करने, ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को करेगा, आपकी बिल्डअप करेगा, आपकी जो पब्लिक इमेज है उसको बैलेंस करेगा, आपकी एफर्ट्स को फुलफिल करेगा, आपको इनकरेज देगा, आपको स्ट्रेंथ देगा, पावर देगा, लोगों में आपकी मकबूलियत में इजाफा होगा, जो ग्राफ नीचे आ रहा था, एनर्जी मिलेगी आपको, स्ट्रेंथ मिलेगी, और आपके फाइनेंशियल अफेयर्स जो है वो भी बेहतर होते चले जाएंगे। फाइनेंशियल मामलात में आप पहले से कहीं बेहतर हो जाएंगे। फिर वही एक बार जो 4-4.5 महीने पहले आपने एक फ्लाइट लेनी शुरू की थी, आप वो दोबारा इंशाल्लाह देख सकेंगे। और अब ये आपके लिए टाइम है, टाइम टू अचीवमेंट, टाइम टू डू समथिंग, आपके लिए ये अब कुछ करने का वक्त है। सैटर्न किन चीज़ों से रिलेट करता है ये भी इंशाल्लाह मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th हाउस में मौजूद मरकरी और मार्स, ये दोनों भी मार्केबल हैं, यहाँ से तसलीस की नज़र बनेगी, आप अपने कैरी रोजगार को बनाने के लिए नए आइडियाज़ पे काम करेंगे, नई सिमत में जो है आप चलेंगे। लेकिन मरकरी और मार्स, में बताता चलूँ, किसी गलत फहमी में मत रहिएगा, ये दोनों कम्बस्ट है, कम्बस्ट प्लैनेट यानी गरूब प्लैनेट आपको वो रिजल्ट नहीं दे पाते जो कि आप चाह रहे होते हैं। प्लैनेट की नजरात जरूर बनेंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आपको सिर्फ कोई ग्रीन गार्डन दिखाए कि जी आपके 10th हाउस में ये सारा कुछ है और ये सब चीजों को जो है वो बूस्टर लगा देगा, तो मुझे एक बताइए कि अगर सन जब गरूब हो जाता है, डेली आप इसका मुशाहिदा करते हैं, सूरज जब गरूब हो जाता है तो क्या आप उसकी रोशनी से, आप जहां पे वो गरूब हुआ है उस खित्ते में क्या आप उसकी रोशनी से मुस्तफिद होते हैं? आपने जो अपनी सोलर प्लेट्स लगाई क्या वो काम करती हैं? नहीं। लेकिन आपको यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं ये थोड़ी सी डिफरेंट है, आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। जैसे कि आपको एक ट्रैवल करना है तो आप उसके लिए टिकट रिजर्वेशन भी करवाते हैं, आप वहाँ पे एटमॉस्फेयर भी चेक करते हैं, आपने कितने दिन स्टे करना है, आप अपने कपड़े तैयार करते हैं, आप ये करते हैं वो करते हैं, सब कुछ करते हैं। एग्जैक्टली, ये आपके लिए टाइम टू प्रिपरेशन है, आपने यहाँ पे प्रिपेयर होना है कि आपने आने वाले वक्त को कैश कैसे करना है। सो बी रेडी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में सबसे पहले मरकरी जो है वो कम्बस सिचुएशन से निकलेगा, ये इस वक्त रेट्रोग्रेड भी है। सो आपने इस हफ्ते कोई ऐसा नया स्टेप नहीं लेना अपने कारोबारी मामलात के हवाले से जो कि बहुत बड़ा हो, लाइफ चेंजिंग हो, यहाँ से आपको बहुत ही जो है वो केयर करनी है। स्पेशली मैं उनसे कहूँगा जो कि जॉब पर्सन है, चूँकि ये आपके छठे घर का हाकिम है, सो बी केयरफुल। इसी तरह ओवरसीज ट्रैवल के लिए भी आपको कोई पैसे नहीं खर्चने, कोई प्लान नहीं करना, यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए, स्टे कीजिए,
जैसे आपने कभी बिल्ली को देखा हो, जब उसे दीवार चढ़नी होती है कोई बहुत ऊंची, तो पहले वो अपनी बॉडी को जो है वो एक अलाइनमेंट में लेके आती है और फिर पूरी स्ट्रेंथ से जंप करती है। एग्जैक्टली यही आपको जो है वो इस पार करना है। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में बेहतरी आ रही है, बिला शुबा ये बेहतरी आएगी। दूसरी तरफ सन जो कि आपके 8th हाउस का लॉर्ड है, ये आपके 10th हाउस में जाके डिबिलिटेड हो रहा है। तीन दिन होंगे, जहन में रख लीजिए, जब भी आपनी एन जो है वो हबूती दर्जात से गुजरेगा 10, 11, 12, इन तीन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इस्मे आज़म या हय्यो या कय्यूम का विर्द कीजिए, और इसके साथ 1 किलो या 10 किलो गंदम का सदका जो है वो दीजिए। ये आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा ताकि आप किसी भी किस्म के माली लेन देन का जो है उसमें फंस ना जाए, क्योंकि ये 8th हाउस का लॉर्ड है। स्पेशली वो लोग जो कि पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं स्ट्रांगली उनसे कहूँगा कि आपको बेहद एहतियात करने की जो है वो ज़रूरत होगी। इसके बाद 3rd हाउस का लॉर्ड भी आपके 2nd हाउस में मौजूद है, जो कि आपके 12वें घर का भी हाकिम है। ये भी रेट्रोग्रेड है, नेक्स्ट वीक ये भी बैलेंस होगा, तो फिर इस बारे में भी इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं आपके जो है वो स्पेशली आपकी जो एजुकेशन सेक्टर है उस पर बात करूँगा। बेसिक एजुकेशन हासिल करने वाले जो बच्चे हैं, स्केल 12 तक की जो एजुकेशन ले रहे हैं, इन्हें अभी भी कुछ मिले जुले हालात का सामना करना होगा, जबकि बहुत ज़बरदस्त जो है वो साबित हो सकता है। स्केल 12 से 14 की जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम जो है वो इंशाल्लाह साबित होगा, और इससे भी अच्छा अगला हफ्ता, इससे भी इंशाल्लाह आपके लिए जो है वो ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो साबित होगा, और आप देखेंगे कि आपके जो हर्डल्स हैं वो दूर होने शुरू हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, लेज़ी नहीं होना, और अपनी बैड हैबिट्स को, बैड एसोसिएशन को आपको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो हायर एजुकेशन है, स्पेशलाइजेशन है, उनको भी यही कहूँगा मैं कि चूंकि मरकरी कम्बस्ट में है और रेट्रोग्रेड है, इसलिए ये वीक आपको थोड़ा केयरफुली चलाना है। और अगर आप अपना कैरियर बनाने के लिए कोई नए स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं, मेरे वो बहन भाई जो कि मास्टर्स लेवल पे काम कर रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा आपको इर्तकाज़ की कमी का सामना रहेगा जब अगर आप इसको कर रहे हैं तो। और अगर आपने इनिशियल स्टेजेस पे इस पर कोई वक्त कोई अप्लाई करना है, कोई एग्ज़ाम है, तो आपके लिए मरकरी की रेमेडी करना ज़रूरी होगा। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपके पास डिस्प्ले पे आ रहा होता है। प्रॉपर्टी सवारी की खरीदो फरोख्त, इसके लिए भी मैं कहूँगा कि चूँकि मार्स ग्रुप की हालत में है, और स्पेशली वो लोग जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो कि ज़रात से मुतलक हैं, जिनका जो मेटल से मुतलक जो काम करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो काम करते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि अभी आपको इन्वेस्टमेंट, नई इन्वेस्टमेंट करने से कदरे गुरेज करना चाहिए। उसके बाद आपका रिलेशनशिप अपने स्पाउस के साथ, लोगों के साथ, ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में, और आप इंशाल्लाह यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मुस्तफीद भी होंगे, ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और इसके अलावा जो जॉब पर्सनस हैं उनको मैं स्ट्रांगली कहूँगा कि आपने जो है इस वीक में जॉब स्विच करने से कतई तौर पे जो है वो गुरेज करें। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपके लिए नई मोमेंट्स बनेंगी और आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल रहे हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपको बताऊंगा। आज के लिए जो है वो ये है कि अगर आप एम्प्लॉय रखना चाहते हैं, अगर आप अपना सेल्फ बिजनेस करते हैं, एम्प्लॉय रखना चाहते हैं, तो इससे भी इस हफ्ता जो है वो आपको गुरेज करना चाहिए। नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपरेशन कीजिए, इस टाइम को थोड़ा सा कूल माइंड होके गुजारिए, और सैटर्न जो कि स्टैंड बाय हो चुका है, इसको मजीद अगर इससे बेनिफिट लेना चाहते हैं तो अपने हाथ में एक बेस्ट क्वालिटी का ब्लू सफ़ायर, डार्क ब्लू कलर में जो है वो पहनिए। ये आपको ये समझ लीजिए कि एक नए लाइफ पाथ पे जो है वो ले जाएगा, और आप जो कि सरसती का शिकार है, इनके लिए तो बिलखसूस मैं कहूँगा कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि सैटर्न आपको बहुत सारे फवायद यहाँ पर दे सकता है। इसको कैच कीजिए, ऑन टाइम लिया गया स्टेप जो होता है वो ही आपको मंजिल पे लेके जाता है। और बेस्ट जेमस्टोन के लिए आप हमारी वेबसाइट javagem.com विजिट कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठे, आप दुनिया में कहीं भी हो, आप घर बैठे बेस्ट क्वालिटी का स्टोन जो है वो हासिल कर सकते हैं। बहुत कुछ मिलता है इस वक्त, मैं खुद, मुझे कुछ लोगों ने ग्रुप्स में ऐड कर दिया, मैं देखता हूँ इतनी चीप क्वालिटी की चीज़ें और चीप प्राइसेस में भी हो रही हैं, और सिर्फ इस पर मत जाइए। आपने थेरेपी करनी है, जेम थेरेपी करनी है, तो फिर आपको बेस्ट क्वालिटी का स्टोन चाहिए। अगर उसकी पावर उसमें नहीं होगी
उसकी ग्रेविटी नहीं होगी, अगर उसमें ग्रेविटी नहीं है तो फिर वो आपको कुछ भी नहीं दे सकेगा। ज़हन में रखिएगा। इजाज़त चाहूँगा इस वीडियो के बारे में, अपना फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।